الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اب سوال یہ ہے کیا غسل کے بغیر عورت کھانا بنا سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ٹائم ملے تو غسل کر لے باقی جو غسل ہوتا ہے وہ نماز کے لیے ہوتا ہے کھانے کے لیے نہیں ہوتا बच्चे को दूध पिलाने के लिए नहीं होता यानी अच्छा ये है कि जब भी टाइम मिले तो फौरन गुसल करना चाहिए। अगर ताखीर हो गई है वो कहती है मैं खाना नहीं बनाऊंगा, कोई ऐसे शोर होते हैं कि अगर नहीं खाना बनाया तो मुझे मारेगा, ये करेगा ये करेगा, गालियां गलूच देगा, तो अच्छा ये है कि पहले खाना बनाए और उसके बाद क्या कर ले, गुसल कर ले। अगर बच्चा रो रहा है ये गुसल करती है तो बच्चा बिल्कुल खामोश नहीं होता, तो पहले क्या करे, बच्चे को दूध पिलाए उसके बाद गुसल करे। बाकी जो गुसल होता है वो नमाज के लिए शर्त है, खाना बनाने के लिए शर्त नहीं, बच्चे को दूध पिलाने के लिए शर्त नहीं, खाना खाने के लिए शर्त नहीं। शर्त होता है वो क्या होता है, नमाज के लिए होता है। अगर टाइम न मिले, इतने घर के काम काजों के बिल्कुल फारिग नहीं है, बड़ी कोशिश करने के बाद उसको टाइम नहीं मिलता, तो नमाज से फौरन क्या कर ले, गुसल कर ले, क्योंकि गुसल होता है किसके लिए, नमाज के लिए। बाकी अगर टाइम मिलता है तो पहले गुसल करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए।